सब्सक्राइब करें गेम अलर्ट चैनल को और दबाएं उस घंटे को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गेम अलर्ट के चैनल पर, मैं आपका दोस्त विपुल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और दोस्तों कल ही रियल क्रिकेट 18 ने जैसा कहा था कि वो 28 फरवरी को अपने गेम को रिलीज़ कर देगी, अपने बीटा वर्जन गेम को, और उन्होंने अपने गेम को रिलीज़ कर दिया। और बहुत ही कमाल का गेम है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके सिंपल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक को ओपन करना है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चले जाओगे, उसके बाद गेम को इंस्टॉल कर लेना है, तो उसके बाद आप इस गेम को आराम से खेल सकते हो। गेम पूरा ऑफलाइन है, ऑनलाइन गेम नहीं है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि गेम ऑफलाइन है और बहुत ही आसानी से गेम आप खेल पाओगे। और इसमें जिस तरह से फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, और अभी तक ऐसे फ़ीचर्स और किसी गेम में ऐड नहीं हुए हैं। तो ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा कमाल के रियल क्रिकेट 18 ने हम सभी को दिया है, उसका धन्यवाद हम सभी को करना चाहिए कि इतने अच्छे फ़ीचर वाला गेम वो हम सभी को प्रोवाइड करा दिया अपने प्ले स्टोर पर। और चलिए मैं इस गेम को आपको पूरा का पूरा रिव्यू इस वीडियो में दे दूंगा। और जो आपने कहा था एक हेलमेट शॉट होता है इस गेम में, जो आपने ट्रेलर में देखा था हेलमेट शॉट का, उसमें आप हेलमेट पहन के शॉट मारोगे, उस तरह का फीचर भी इस गेम में ऐड है और आपको मैं वो सब दिखाऊंगा। और इसमें आपको बहुत सारे नए चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग की जा रही है। यहाँ पे आप इस तरह से भी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, आपको स्वाइप का भी ऑप्शन मिलेगा इसमें। जैसे आप WC2 में स्वाइप करके गेम को खेलते हो, वैसे इसमें भी आपको मिलेगा स्वाइप करके आप इस गेम को खेल सकते हो। और इसके भी जो एनिमेशंस है वो भर भर के रियल क्रिकेट 18 ने हम सभी को दिया है। तो आइए मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप गेम को ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, क्विक प्ले नेट्स और बहुत सारे नए चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर सबसे ऊपर होम दिख रहा होगा आपको, होम के बगल में आपको टूर्नामेंट्स दिखेगा, तो टूर्नामेंट्स पर आप जाके क्लिक कर सकते हो और आपको टूर्नामेंट्स में बहुत सारे नए टूर्नामेंट्स देखिए मिल जाएंगे। ये सभी टूर्नामेंट्स आप अनलॉक कर सकते हो, जैसे जैसे आप लेवल आगे आपका बढ़ता जाएगा आपके सारे टूर्नामेंट्स अनलॉक होते जाएंगे। और अभी कुछ नए टूर्नामेंट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कमिंग सून लिखा हुआ है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL। तो ये सभी भी अभी तक अनलॉक नहीं है क्योंकि ये सब अभी आने वाले हैं और फुल वर्जन गेम आने के बाद ये सभी अनलॉक हो जाएंगे। उसके बगल में प्रोफाइल दी हुई है मेरी, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी पूरी प्रोफाइल है जहाँ से मैंने अपने गेम को साइन इन किया था। उसके बगल में आएगा DLC, ठीक है। DLC क्या होता है, इसमें आपको कमेंट्री मिलेगी, बहुत सारे स्टेडियम मिलेंगे। कमेंट्री आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको इसमें सिर्फ 5-6 MB खर्चा करना है। 5-6 MB में आपका पूरा कमेंट्री डाउनलोड हो जाएगा, इसमें आपको हिंदी कमेंट्री भी मिलती है। उसके बाद आपको स्टोर मिलता है, स्टोर में आप बैट बॉल बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे देखिए इसमें बहुत सारे बैट्स हैं, ये इतने अच्छे अच्छे बैट्स हैं, इसमें बहुत सारे नए नए स्टिकर लगे हुए हैं जो WC2 ने अभी तक हम सभी को नहीं दिया था, वो फीचर इस गेम में आपको मिल जाता है। बहुत ही कमाल का फीचर है इस गेम में जो कि आपको पहली बार मिल रहा है। इसमें आप बहुत सारे बैट्स, बहुत सारे शूज़ खरीद सकते हैं यानी जूते खरीद सकते हैं। देख लीजिए आप अपने प्लेयर को अलग अलग जूते पहना सकते हो और पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपने प्लेयर को। यहाँ पे बहुत सारी बॉल आपको मिल जाएंगी, आप जिस तरह के कैटेगरी की बॉल लेना चाहते हो ले सकते हो। और इसके लिए आपको मोड चाहिए, तो जब ये गेम फुल वर्जन आ जाएगा तो आपको मैं इसका मोड भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप सब कुछ अनलॉक मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप उसे खेल पाओगे। इसमें आपको बहुत सारे प्रीमियर लीग लेंगे। और उसके बगल में आपको एक नीचे देखिए सबसे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, सेटिंग का आइकन, आपको उस सेटिंग के आइकन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने कंट्रोल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे स्वाइप का कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि WC2 में आप स्वाइप करके बॉल को हिट करते हो तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और आपको ये देखिए बैटिंग कैमरा में आपको देखिएगा यहाँ हेलमेट वाला ऑप्शन मिल रहा है, चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद हम सभी को अपने गेम को ओपन करते हैं, तो जिससे गेम देखते हैं कि हेलमेट वाला जो ऑप्शन है वो कितना ज़्यादा अच्छा है और क्या इसको खेलने में हम सभी को मज़ा आएगा या नहीं। चलिए क्विक प्ले पे यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, और क्विक प्ले पे यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद गेम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेम लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लोड होने में लगता है और फिर यहाँ पे लोग बार नो कर देंगे। देखिए यहाँ पे टीम सिलेक्शन भी बहुत ही कमाल का है, सब कुछ नेक्स्ट करते जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आपको फटाफट गेम प्ले भी दिखा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए गेम लोड हो रहा है, बहुत ही जल्द हम सबका गेम ओपन हो जाएगा सबके सामने और एक नया इंटरफेस, एक नया गेम मिलेगा आपको। और देखिए गेम अभी तक आप लोग अगर सोच रहे हो कि गेम मुझे भी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और पूरा गेम ऑफलाइन प्ले कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे गेम जो है वो शुरू हो चुका है,
और कुछ इस तरह का इंटरफेस रियल क्रिकेट 18 लिख के आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्टूडियो है, स्टूडियो का फीचर इस गेम में पहली बार किसी गेम में इस तरह का स्टूडियो फीचर ऐड किया गया है, अभी तक किसी गेम में देखने को नहीं मिला है। तो ये फीचर इस गेम में मिल रहा है। और उसके बाद आप इस तरह से इंडिया मुंबई में घुसोगे और उसके स्टेडियम के पास पहुँच जाओगे। तो हम सभी स्टेडियम में एंटर करने वाले हैं और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कुछ इसी तरह से हम सभी लोग स्टेडियम में एंटर करते थे, तो ये गेम में भी इसी तरह से आप एंटर करेंगे और कुछ इस तरह से आपका गेम जो है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह का उसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और मज़ा आ रहा है। अब मैच को शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉस शुरू हो गया है और टॉस में हम हेड या टेल चूज़ कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने टेल ले लिया है और देखते हैं कि परिणाम किसकी तरफ जाता है। तो यहाँ पे दरअसल मैं ही जीत गया और मुझे ही बैटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। अपोनेंट जीत गया यार, मैं तो हार गया लेकिन मुझे बैटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और चलिए मैं यहाँ से अपने रोहित शर्मा और शिखर धवन, हाँ जी रोहित शर्मा और शिखर धवन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए अंपायर जिस तरह से स्टेडियम में आ रहे हैं वो बहुत ही कमाल का लुक लग रहा है। और जो प्लेयर्स बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं, ओपनर्स आ रहे हैं और जो स्टेडियम में प्लेयर्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पर दिखाया गया है। एनिमेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे इस गेम में आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा नई है, किसी गेम में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ से गेम को आप स्वाइप करके भी खेल सकते हो, ठीक है। अब मैं सेटिंग आपको दिखाया था स्वाइप का ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन मैं स्वाइप करूँगा और गेम को यहाँ पे हिट करने के लिए मिल जाएगा। तो ये फीचर भी है इसमें, आप स्वाइप करके भी खेल सकते हो। जिस तरह से आप WCW में खेलते हो उस तरह से आप भी खेल सकते हो। इसमें जॉयस्टिक लेके भी खेल सकते हो, स्वाइप करके खेल सकते हो। हर तरह का फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट बॉल यहाँ पे बॉलर फेंकेगा और फिर उसके बाद इसमें हिट मारूंगा मैं। तो यहाँ पे ये मारा, अरे यार ये क्या, ये तो स्लेजिंग का फीचर यहाँ पे दिखाने लगा। देखिए ये गेम में आपको स्लेजिंग भी मिलेगा। देखिए झगड़ा हो रहा है, बॉलर समझा रहा है तो बैटर कह रहा है निकल ले चल, तो इस तरह का फीचर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे झगड़ा का भी असर आपको मिल गया है भैया। तो ये गेम बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है हम सभी लोगों के लिए। अभी तो फिलहाल बीटा वर्जन में है, फुल वर्जन आएगा तब तो धमाल मचा देगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारा छोटा सा वीडियो देखने के लिए। फुल इंटरव्यू था इस गेम का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस गेम को खेलने में। थैंक यू। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी